जब टच डाउन कन्फर्म हुआ तो जिस तरह यहां इसरो सेंटर में पूरे देश में लोग उछल पड़े, वो दृश्य कौन भूल सकता है। कुछ स्मृतियां अमर हो जाती है, वो पल अमर हो गया, वो पल इस सदी के सबसे प्रेरणादायी क्षणों में से एक है। हर भारतीय को लग रहा था कि विजय उसकी अपनी है, खुद महसूस करता था। हर भारतीय को लग रहा था कि जैसे वो खुद एक बड़े एग्जाम में पास हो गया है। आज भी बधाइयां दी जा रही है, संदेश दिए जा रहे हैं, और ये सब मुमकिन बनाया है आप सबने। आप हैं देश के मेरे वैज्ञानिकों ने ये मुमकिन बनाया है। मैं आप सबका जितना गुणगान करूं वो कम है, मैं आपकी जितनी सराहना करूं वो कम है। साथियों, मैंने वो फोटो देखी जिसमें हमारे मून लैंडर ने अंगद की तरह चंद्रमा पर मजबूती से अपना पैर जमाया हुआ है। एक तरफ विक्रम का विश्वास है तो दूसरी तरफ प्रज्ञान का पराक्रम है। हमारा प्रज्ञान लगातार चंद्रमा पर अपने पद चिन्ह छोड़ रहा है। अलग अलग कैमरों से ली गई जो तस्वीरें अभी रिलीज हुई और मुझे देखने का सौभाग्य मिला, वो अद्भुत है। मानव सभ्यता में पहली बार धरती के लाखों साल के इतिहास में पहली बार उस स्थान की तस्वीर मानव अपनी आंखों से देख रहा है, और ये तस्वीर दुनिया को दिखाने का काम भारत ने किया है। आप सभी वैज्ञानिकों ने किया है। आज पूरी दुनिया भारत की साइंटिफिक स्पिरिट का, हमारी टेक्नोलॉजी का और हमारे साइंटिफिक टेम्परामेंट का लोहा मान चुकी है। चंद्रयान महाअभियान सिर्फ भारत की नहीं बल्कि पूरी मानवता की सफलता है। हमारा मिशन जिस क्षेत्र को एक्सप्लोर करेगा उससे सभी देशों के लिए मून मिशन्स के नए रास्ते खुलेंगे। ये चांद के रहस्यों को तो खोलेगा ही, साथ ही
धरती की चुनौतियों के समाधान में भी मदद करेगा। आपकी इस सफलता के लिए मैं एक बार फिर सभी वैज्ञानिकों को, टेक्नीशियंस, इंजीनियर्स और चंद्रयान महाअभियान से जुड़े सभी सदस्यों को बधाई देता हूं। मेरे परिवारजनों, आप जानते हैं कि स्पेस मिशंस के टच डाउन पॉइंट को एक नाम दिए जाने की वैज्ञानिक परंपरा है। चंद्रमा के जिस हिस्से पर हमारा चंद्रयान उतरा है, भारत ने उस स्थान के भी नामकरण का फैसला लिया है। जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा है, अब उस पॉइंट को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। शिव में मानवता के कल्याण का संकल्प समाहित है और शक्ति से हमें उन संकल्पों को पूरा करने का सामर्थ्य मिलता है। चंद्रमा का शिव शक्ति पॉइंट हिमालय से कन्याकुमारी से जुड़े होने का बोध कराता है। हमारे ऋषियों ने कहा है, येन कर्माण्य पशो मनीषिणो यज्ञे गुणवंती विद्येषु धीरः यत् पूर्व यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पम् अस्तु। अर्थात जिस मन से हम कर्तव्य कर्म करते हैं, विचार और विज्ञान को गति देते हैं और जो सबके भीतर मौजूद है, वो मन शुभ और कल्याणकारी संकल्पों से जुड़े।